गुफा देखी गजब का दोस्तों, इस तरह का गुफा मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा दोस्तों। शंकर जी है यही मेन है ना, बस हम लोग इतने से बच्चे से हम यही थे, इनके पूजा आप करते करते आज बूढ़ा हो गए। तो दोस्तों अद्भुत, मैंने अपने जीवन में इससे अति अद्भुत नहीं देखा है, होगा बट अभी अपने लाइफ में। हाँ उनके वंशज आज भी दिया भी बार रहल बा, बोलन है ना, सही बात बा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। बहुत ज़्यादा कठिन था, आप देखा वीडियो में, किसी तरह से यहाँ पे पहुँच गए भाई, और यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा है, कोई यात्री नहीं पहुँचा भाई, सिर्फ हम तीनों। बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ना पड़ा भाई, देखिए मेन रास्ता यहाँ से है और हम लोग चलते हैं इसी रास्ते से। अगर कुछ पुजारी लोग हैं यहाँ पे, कुछ पुजारी उजारी लोग हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक दुकान खुला हुआ है भाई, एक दुकान खुला हुआ है जो कि वही पूजा के सामान वान बेचते हैं, और यहाँ पे लाइट उट का व्यवस्था है। तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको गुप्ता धाम जी का। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गुफा में जाने के लिए रेडी हैं। ऐसे तो मुख्य रूप से शिव जी ना विराजमान है यहाँ, ऐसे तो मुख्य रूप से यहाँ शिव जी विराजमान है। तो थोड़ा सा कुछ दो चार स्टेप चढ़ना पड़ेगा आपको, सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, और हमारे साथ ये बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अनजान में आए हैं तो पता तो चलेगा नहीं रास्ता किधर से है, तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया तो वो बोले कि चलो ठीक है दर्शन कराता हूँ आपको। और ये देखिए दोस्तों ये है गुफा, यही गुफा के रास्ता है। अपना अपना फ्लक्स जला लिए, हालांकि लाइट लेकर के नहीं आए भाई, लाइट लेकर के आते अपना वाला तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और जनरेटर में तेल भी नहीं है तो लाइट जला रहता है। अगर थोड़ा सा चालू करवा दीजिएगा तो ठीक रहेगा बाबा, अगर थोड़ा मरा भी चालू करवा दीजिए ना प्लीज, चालू कर दीजिए भैया, चालू कर दीजिए। तो जनरेटर चालू कर रहे हैं, हाँ चल, तो जनरेटर चालू होता है, बहुत ज्यादा अंधेरा है तो चलता है। बहुत ज्यादा उम्र से दोस्तों यहाँ पे टकाने में हालत खराब हो गया, रास्ता भी आप देख ही चुके हैं, और अंदर भी ऐसे जाएंगे तो दिक्कत है, थोड़ा सा लाइट रहेगा तो अच्छे से सूट हो पाएगा, आप लोग भी दर्शन कर पाएंगे जो लोग घर पे हैं, तो जो लोग नहीं आ सकते हैं, दादा दादी बुजुर्ग जो भी हैं, जो भी असमर्थ हैं, वो आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। तो भाई जनरेटर चालू हो गया है और अंदर लाइट जल गया है, बहुत ही ज्यादा गुफा देखिए गजब का दोस्तों, इस तरह का गुफा मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा दोस्तों, पहली बार देख रहा हूँ उस तरह का गुफा, जो कि इतना विचित्र गुफा है भाई। हो गजब भाई गजब, आप पीछे देखो किस टाइप से बना हुआ है भाई, पताल गंगा है ये, पताल गंगा, ओके। ये पताल गंगा बोल रहे हैं, यहाँ पे अपने आपको शुद्धिकरण हम लोग करते हैं, और शुद्धिकरण करने के बाद बाबा गुप्ता राम जी का दर्शन करेंगे। पानी है बाबा, पार होना पड़ेगा यहाँ से, अच्छा चलो जल हम लोग छिड़क लिए, शुद्धिकरण कर लिए, और यहाँ से रास्ता है दोस्तों, ये जो है हल्का हल्का पानी भी ऊपर से रिश्ते रहता है। हाँ, बाबा के जटा से, बाबा शिव जी के जटा से बोल रहे हैं कि हल्का हल्का पानी, क्योंकि उनके जटा में गंगा विराजमान है,
जले से ही बड़ा हो गया है, जल जटा चुरा है इसी जल से ही बोल रहे हैं कि जल से ही बना हुआ है, शिव जटा से चू रहा है जो ये पूरा तो दिखाइएगा बाबा। आइए लाइट नहीं है दोस्तों, कुछ कुछ दूर वॉल्व खराब हो गई है, कुछ दूर सही है। यहाँ पे बोल रहे शिवलिंग बन रहा है, देखिए ये सब जटा है, आइए शिवलिंग का आकार ले रहा है। पांचों पंडा देवता ये बन रहा है, देखिए जब जब जटे के पानी से जब जब जाना तो भाई एक बार तो बनता है आप सब लोगों को। यहाँ पे बोला जा रहा कि शंकर भगवान जो है वो यहाँ पे सोए हुए हैं, उनका शरीर का रूप है यहाँ, बाबा का ऐसा कहना है शरीर का रूप है। करीब करीब हम लोग 200 मीटर अंदर जा चुके हैं और अभी कितना दूर है अभी बाबा? आप पहुंच गए हैं बाबा जी के पास। अच्छा गुप्ता धाम क्यों नाम पड़ा इसको? नाम पड़ा गुप्त धाम। अच्छा इनका अवतार हुआ है किनका? गुप्तेश्वरनाथ सतयुग में है, जब दिने से बने गुप्त धाम काशी है ये। अच्छा गुप्त काशी है। हाँ उत्तर काशी काशी विश्वनाथ तीन काशी है। अच्छा हाँ गुप्त काशी है। देखिए ये पूजा होता है, जटा है, यही मेन महादेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश इसी में है सब। और देखिए जटा है, यही जटा के जल चू रहा है इनका पर, मेन पूजा यही होता है बस। देखिए जटा है, जटा बड़ा बड़ा दिखाई तो नहीं दे रहा होगा दोस्तों, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरा है थोड़ा। ये क्या बाबा जी? ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग। हाँ यही यही पूजा होता है इनको, परमा विष्णु महेश शंकर जी है यही मेन है ना बस। हम लोग इतने से बच्चे से हम यही थे, इनको पूजा करते करते आज बूढ़ा हो गए सर। और ये छोटा बच्चा ये अभी हाल में आया है, ये भी शंकर जी का सेवक है ना। तो दोस्तों अद्भुत, मैंने अपने जीवन में इससे अति अद्भुत नहीं देखा होगा, बट अभी अपने लाइफ में। ओके तो भाई मैं अपना लाइट लेकर के आता तो अच्छा रहता। बाबा कुछ गुप्त काशी के बारे में बात करें तो वो क्या बता रहे थे? गुप्त काशी जैसे हम लोग सुनिए कर कहते हैं कि सतयुग में गुप्त थे और कलयुग में इनका अवतार यहाँ हुआ था है ना, गुप्तेश्वर महादेव के। और धीरे धीरे जो भक्त है यहाँ जो मिला जिसका वह सेवा करते 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 आपके उनके धीरे धीरे बताए तो आज यहाँ साधु संत रहकर बाबा के सेवा लोग करता है। बाकी भुड़कुड़े के लोग बताए उनके मने पूर्वज पुरनिया। हाँ उनके वंशज आज भी दिया भी बार रहा बा बोलन
है ना, सही बात बा। और बाद मने हर हर महादेव सब कोई बात रही। अरे एक और बोल रहे थे कि एक है गुप्त काशी, ये है गुप्त काशी, वो क्या है? अच्छा गुप्त काशी है ना, एक उत्तर काशी बोलते हैं। अच्छा काशी विश्वनाथ वाराणसी में, गुप्त काशी शंकर जी यहाँ है। अच्छा। गुप्त पहले थे। अच्छा। अब उनका तो अहंकार हुआ, अब तो धीरे धीरे सब लोग भी जान रहे हैं। अच्छा। ना धीरे धीरे ना। हाँ। तो वही बात है कि अब सतयुग में यहाँ गुप्त रहे, कलयुग में इनका यहाँ अवतार हुआ, तो सब कोई धीरे धीरे उनको जानने लगा। बात इतना ही है और कुछ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ यहाँ के बारे में पूछते हैं। यहाँ के पुजारी जी हैं। तो आपका नाम क्या? नाम हुआ बाबा जी आपका? बली बाबा। बली बाबा जी यहाँ पे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से यहाँ प्राकृतिक धाम, यहाँ कोई चीज हाथ से हाथलिप्त नहीं है, हाथ से बना हुआ कोई कारीगरी नहीं है। ये भोले शंकर भगवान का बनाया हुआ, ये भस्मासुर की कथा सब कोई जानता है, शिव पुराण में है, आचार्य पुराण में भी है। वो भस्मासुर जिस समय भक्ति कर रहा था, उनकी अपना पार्वती जलसा से इनको भगाना शुरू किया, भागते भागते ऐसी इसी गुफा बनाकर इसमें अपना छिपे, और उसको विष्णु भगवान मोहनी के रूप पकड़ कर धर कर इनको जलाकर भस्म में, उसी समय से प्रचलित धाम है। ये शिव भक्त जो है इनको पाया और उसी समय से ये अपना पूजा पाठ करना शुरू किया। जिसको जिस खानदान से जिस व्यक्ति को ये पकड़े हैं, सिंह भक्त माने हैं, वो साल में एक बार दीपक जलाता है केवल दीपावली के लिए, और बाकी समय में पुजारी इस तरह का पूजा पाठ लोग करते रहते हैं, या सेवा साध करते हैं, साफ सफाई लोग करते हैं। मुख्य रूप से यहाँ कब भीड़ ज़्यादा लगता है? सावन में? मुख्य में सावन में लगता है, माघ बसंत पंचमी में लगता है, फागुनी महाशिवरात्रि में लगता है, चैत बदनी में लगता है, वैशाख शिवरात्रि है। इसी तरह छह को मुख यहाँ के धर्म स्थल मनाया, तीर्थ स्थल मनाया गया है। इसी तरह प्रतिदिन लोग आते हैं, 10-20-50 आदमी आते जाते रहते हैं। तो बाबा जी अभी यहाँ पे आने का कोई अच्छा रास्ता नहीं है? ठीक है। अच्छा, आपको इधर से पश्चिम से आइएगा तो कुदरा होते हुए लिखा है कि गुप्ता धाम प्रवेश गेट, वहाँ से आइएगा चेनारी, ऐसे सासाराम से आइएगा आलमपुर होते हुए, ऐसे गाड़ी द्वारा और नहर पकड़ कर चले जाइएगा करमचट बांधा पर। बांधा पर ही होते हुए रास्ता बढ़िया क्लियर बन गया है, उसी रास्ते से यहाँ आइए। आप पैदल पगडंडी तक चारों तरफ से घूमा कर आलमपुर घाट, ताराचंडी तरफ से भी एक रास्ता है, ताराचंडी से भी चढ़ कर आप आ सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा समय लगता है, टाइम लगता है। इस तो चेनारी वाला है तो थोड़े समय में आ जाते हैं, 3 घंटा में आप चेनारी। अच्छा बाबा, आप एक ये बोले कि कोई कोई खानदान को यहाँ जो अपनाए हैं वो साल भर में एक बार दीपक जलाते हैं। हाँ। तो वो कहाँ के हैं? वो भुरकुरा निवासी है, भुरकुरा का। अच्छा, तो वो सिर्फ साल में एक बार दीपक जलाते हैं, बाकी टाइम दीपावली को दिया जलाते हैं, पूजा पाठ जो होता है वो करते हैं। तो माना जाता है कि मतलब जो जब भी होंगे, जब उनके वंशज ही जलाएंगे तभी दीपक जलेगा। ये आज भी है। अच्छा। आज बीच में चाहिएगा आप भी जाकर दिया जलाइए तो नहीं जल पाएगा, जल ही नहीं पाएगा। नहीं, दीपावली के दिन वो दिया जलाकर उसके को बच्चों आकर जला चला जाएगा, उस समय से सभी लोग जलाते चले जाएंगे। अच्छा, हजारों आदमी दिखेगा, नहीं जलेगा आज, जाकर देखिए नहीं जलेगा, सलाई तक नहीं जलेगा। चंपाकल पानियों का जनता के सुविधा चाहिए और रोड की भी चाहिए। और यहाँ पे शौचालय चले है? ना, कुछ नहीं, कुछ है। नहीं है ना। अच्छा, लाइट उट का व्यवस्था है यहाँ? यहाँ खाली जनरेटर का। जनरेटर आप लोग अपने तरफ से रखे हैं? हाँ। कोई सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं है? ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि गवर्नमेंट तक के नजर पड़े। हालांकि बहुत बड़ा धाम है, बहुत बड़ी महिमा है इनके, यहाँ थोड़ा सा विकसित होना चाहिए, थोड़ा सा का बहुत विकसित होना चाहिए। आदमी आते हैं सिद्धार्थ में, करोड़ों आदमी आते हैं, सावन में करोड़ों आदमी आते हैं, ऐसे 5-6-7 मेला है, उसमें लाखों 5-5 लाख आदमी आते हैं, 10-10 लाख आदमी आते हैं। नहीं मेला रहने पर भी मेला नहीं रहते आते जाते हैं। हाँ भाई, मेला नहीं रहने पर भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। अभी बोल रहे हैं बनारस से लोग आए हुए हैं, वो दो दिन में ट्रैक करके चढ़ रहे हैं गुप्ता धाम पर, बक्सर से, कलकत्ता से, कल दर्शन के थे आज वहीं रुके हुए हैं, आरा से, पटना से, ऑल इंडिया से आते हैं लोग, ऑल इंडिया से आते हैं, ऑल इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत बड़ा धाम है, यहाँ पे फैसिलिटी तो होना चाहिए भाई। शीतल कुंड बगल में है। अच्छा। हाँ, वो जानजनी माता का भी मंदिर है पुराना पहाड़े में। हाँ, तो
अब हम लोग चलते हैं शीतल कुंड के पास, देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो भाई ठंडा ठंडा हो रहा हूँ यहाँ के जलधाराओं से, बहुत ही ठंडा है और ऊपर बहुत सारे मिनरल्स जड़ी बूटी से होकर पानी गुजरता है, तो भाई पानी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों वो जो आप मेरे पीछे फॉल देख रहे हैं वो बहुत ऊपर है, आप देख सकते हो वहाँ से चल करके गिर रहा है भाई। तो अगर आप गुप्ता धाम आते हैं तो यहाँ पर भी आइए, बस वॉकिंग डिस्टेंस है आपको, मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे आने में यहाँ पे, तो ज़रूर यहाँ पे आइए। और ये छोटे हैं ये रास्ता दिखाते हुए आया है, क्या नाम है बाबू? श्री राम नाम है इनका, और यही लेकर के आए हैं हमको दिखाने के लिए। गुफा में भी साथ में गए थे बाबा के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है, यहाँ पे लोग डूब भी चुके हैं, तो हम लोग नहाएंगे नहीं क्यों, हाँ डूब करके मर भी गया है तो हम लोग तो नहाए वहाएंगे नहीं। और यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए कितना गंदगी लोग छोड़ देते हैं यार, हमारी धरोहर है, हम नहीं साफ रखेंगे तो कौन रखेगा भाई। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ यहाँ पे आए तो भाई जो भी अपना कचरा है अपने साथ ले जाइए, अपने घर पे डस्टबिन उस्टबिन में जहाँ भी ठिकाना लगाना लगाइए, बट इस जगह पे ठिकाना मत लगाओ यार, क्योंकि आप ऐसे ऐसे गंदा नहीं कर सकते हो किसी चीज़ को। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा साफ सुथरा रखिए, अपने बिहार को भी स्वच्छ बनाइए, और बिहार में काफ़ी ज़्यादा है घूमने के लिए भाई, काफ़ी कुछ ऐसा एडवेंचर है, जैसे रोहतास में बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर है। तो हम लोग अभी रोहतास में ही हैं, सासाराम में, आपको गुप्ता धाम भी यहीं पड़ता है, या सीताकुंड, शीतल कुंड भी, सीताकुंड या शीतल कुंड बोला जाता है। तो अगर आप गुप्ता धाम आते हैं तो भाई यहाँ पर भी ज़रूर आकर के विजिट कीजिए और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं धाम के पास, और वहाँ से बाइक उक उठाते हैं, कुछ खाते होते हैं क्योंकि सुबह से हम लोग खाए नहीं और टाइम हो गया है 11 बजने को है, तो कुछ खा पी करके हम लोग निकलते हैं पानी वानी पी करके। तो फाइनली दोस्तों हम लोग सीताकुंड से आ गए हैं वापस फिर से गुप्तेश्वर धाम के पास, और यहाँ पे थोड़ी देर रेश्ट करते हैं, पानी वानी पी रहे हैं। देखिए जैसे कि हमारे श्याम भाई पानी पी रहे हैं, इधर पिंकू भाई रेस्ट कर रहे हैं, चेहरा से देखो भाई कितना ज़्यादा मतलब परेशानी हुई है, इस साफ चेहरा पर आप झलक सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं यार, यहाँ आने के बाद सारा दुख तकलीफ मिट गया भाई। अब बस यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, चलते हैं श्याम भाई मांझरकुंड। तो भाई ताराचंडी के पास मांझर कुंड धुआं कुंड है, वहाँ पे चलते हैं क्योंकि कल तो जाने से रह गए थे, आज वहाँ से चलते हैं। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, अगर भाई यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना भाई, क्योंकि रोहतास सीरीज पे निकला हुआ हूँ, मानसून स्पेशल सीरीज चल रहा है। तो भाई कमेंट करके बताओ गुप्ता धाम कैसे लगा, और सब कोई बाबा का दर्शन कर सकते हो यहाँ पे, शिवलिंग का शिवलिंग है जो गुफा में। यहाँ आने के लिए दोस्तों अगर आप लोग बारिश के मौसम में आते हो, सोचते हो कि बाइक उकस आने, तो कभी मत आना भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और अकेले तो कभी मत आना, दो गो हो तो ठीक है, दो है तो ठीक है, दो जन हम लोग, तीन जन एक बुलेट से आ गए, वो भी बारिश में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, थोड़ा बहुत पैच ख़राब मिले तो स्लिप करता था, इसलिए आप अकेले आने की कोशिश मत करना, और पैदल ट्रैक करने में आपको दिन भर लग जाएगा करीब करीब, है ना छोटू, पैदल ट्रैक कर पाओगे आप अगर आप यहाँ के लोकल हैं तो आपको दिन भर लग जाएगा। तो भाई जो भी आना अपने व्यवस्था के साथ आना, खाना पीना जो भी रहेगा लेकर के आना, ऐसे यहाँ पे मिलता है बट रास्ते में वैसा कुछ है नहीं, रास्ते में आप तो पानी तक नहीं लगेगा, मेला लगता है यहाँ, हाँ। मेला का दिन आप सब चीज़ मिलता है पूरी, हमें रास्ता में तो नहीं ना मिलता है, वो घड़ी मेला में मिलता है सब रास्ता में। अच्छा अगर आप यहाँ पे मेला लगता है, मेला के सब टाइम में आते हो तो रास्ते में भी पानी सब कुछ मिल जाएगा, खाना पीना सब कुछ, ऐसे अगर आते हो तो भाई अपना व्यवस्था लेकर के आना, और कोशिश करना दिन भर के लेकर के चले खाना पीना जो भी है सो। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।